शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैह सलाम के जिक्र में दो फिरौनों का जिक्र है, एक वो जिसके जमाने में हजरत ईसा अलैह सलाम पैदा हुए और उसके घर में परवरिश पाई, और दूसरा वो जिसके पास आप दावत और बनी इसराइल की रिहाई का मुतालबा लेकर पहुंचे और जो आखिरकार गर्क हुआ। मौजूदा जमाने के मुहक्किकीन का आम ख्याल ये है कि पहला फिरौन रामसेस दोम था, और जिस फिरौन का गर्क होने में जिक्र है वो रामसेस दोम का बेटा मुनफताह था। उसने बनी इसराइल को गुलाम बनाया और उन पर हर तरह के मजालिम करता। 1491 कबल मसीह में जब फिरौन मिस्र ने मूसा और उनकी कौम का पीछा किया कि उन्हें खत्म कर दे, और अचानक मूसा अलैह सलाम के आगे एक ऐसा मकाम आया कि आगे सिर्फ समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर, भागने का कोई रास्ता मौजूद न था। दोस्तों, उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैह सलाम को हुक्म दिया कि अपना असाए मुबारक को समंदर पर मारो। उन्होंने ऐसा ही किया और देखते ही देखते समंदर दो हिस्सों में बट गया और इतना लंबा रास्ता बन गया कि पूरी बनी इसराइल कौम अपने मालो असबाब समेत यहां से गुजर गई। और जब फिरौन मिस्र ने, जो कि खुद को खुदा कहता था, उसके लश्कर ने गुजरने की कोशिश की तो समंदर वापस आकर मिल गया जैसे पहले मौजूद था, और सारा का सारा लश्कर फिरौन समेत गर्क हो गया। इस तरह डूब कर मरने के बाद समंदर ने सिर्फ फिरौन की लाश को समंदर से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। यूं आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश को पहचान कर उस वक्त के फिरौन के दरबार में बताया तो फिरौन की लाश को महल पहुंचा दिया गया। दरबारियों ने मसाला लगाकर उसे पूरी शानो शौकत और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर लिया। कमाल का इत्तेफाक है कि पूरी जमीन पर उस वक्त सिर्फ एक कौम आबाद थी जिसे मसाला लगाकर लाशों को महफूज करने का हुनर आता था। ऐसा लग रहा था कि इस कौम ने इसी दिन के लिए ही ये सब कुछ सीख रखा था। फिरौन ने मिस्र की लाश को मसाला लगाकर महफूज करने के अमल के दौरान उनसे गलती हो गई, और वो गलती ये थी कि फिरौन समंदर में डूबकर मरा था, और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जम गई थी। सो मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात को इसी तरह रहने दिया और ऐसे ही मसाले लगा दिए। वक्त गुजरता गया, जमीन व आसमान ने बहुत सारे रद्दबदल देखे जिसकी गर्त के नीचे सब कुछ दब गया, हत्ता के फिरौनों की हनूद शुदा लाशें भी जमीनों की तह के अंदर छुप गई। उनके नाम सिर्फ किताबों और उनकी तामीरात और शानो शौकत लोगों के जहन के अंदर ही रह गए। इसके अलावा उनका बनाया गया सब कुछ खत्म हो गया। इस वाकये के 2000 साल के बाद इस दुनिया में अल्लाह ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम तशरीफ लाए, और उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब के अंदर इंसानी नौ की इबरत के लिए फिरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए, और इसी सिलसिले में फिरौनों के जिस्म को महफूज करने के बारे में भी एक आयत नाजिल हुई जिसके अंदर अल्लाह पाक वाज़े तौर पर फरमाता है कि हम तेरे जिस्म को आने वाले इंसानों के लिए इबरत बनाकर महफूज कर लेंगे। इस आयत मुबारका की सच्चाई पर तमाम मुसलमानों को यकीन था, लेकिन वो ये समझने से कासिर थे कि खुदाई का दावा करने वाले की लाश कैसे महफूज की गई होगी, कैसे इसे इबरत का निशान बनाया जाएगा, कौन इसकी तस्दीक करेगा। ये इतना नाजुक मामला था कि आप जरा खुद सोच कर देखें कि कुरान पाक के अंदर बयान किए गए अल्लाह ताला के तमाम अल्फाज में से अगर सिर्फ ये एक आयत मुबारका भी या अल्लाह का ये दावा नऊज़ बिल्लाह गलत साबित हो जाता तो गैर मुस्लिम और कुफार के सामने मुसलमान किस मुंह से कुरानी आयात का दिफा करते। मगर ये अल्लाह का कलाम है जिसके अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए हर दौर के अंदर उसने अपने आप को और अपने एक एक लफ्ज को मनवाया है। 1871 में मिस्र से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर
अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनों की हनूद शुदा लाशों की तरफ जाने का खुफिया रास्ता मिल गया। ये बस इतना चाहता था कि फिरौनों की लाश के साथ मौजूद कीमती नवादरात यानी सोना चांदी हीरे मोती वगैरह को हासिल कर ले, और इसलिए ये दरियाए नील के किनारे तपसा के मकाम पर बैठा मंसूबा बना रहा था कि जब उसे खुफिया रास्ते का पता चला और उसने ये जगह खोदनी शुरू की, उसी दौरान उसे मशकूक समझकर कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की खुदाई की तो 1891 के अंदर दूसरी ममियों के साथ साथ इस गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई और उसके कफन पर सीने के मकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। इन ममियों को माहिरीन अपने साथ काहिरा ले गए जहां इनकी तफसील का जायजा लिया गया। तो फिर फिरौनों वाली ममी पर जमी हुई नमकियात की तह से इस बात की तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे पानी में गर्क करके निशाने इबरत बनाने का वादा किया गया था। पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इसकी तस्दीक के लिए पूरी दुनिया के आसारे कदीमा के माहिर और साइंसदान मिस्र की तरफ चल पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक की कि दूसरी सब लाशों के निस्बत सिर्फ एक लाश पर ही समंदरी नमकियात की तह जमी हुई थी जिसे उसने महफूज रखा और गलने सड़ने से बचा रखा। इस तस्दीक के बाद इसे फाइनली फिरौन की लाश करार देकर म्यूजियम के अंदर महफूज कर दिया गया। 1982 में ये ममी खराब होने लगी तो उस वक्त मिस्री हुकूमत ने फ्रांस के साइंसदानों की कुमक को दरखास्त की कि इसे खराब होने से बचाया जाए और जदीद साइंसी इंस्ट्रूमेंट से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। अरबी और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर इस ममी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के तमाम आला अहदेदारों तमाम वजरा और फौजी अफसरान समेत उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी जिंदा अजीम बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने उसे सलामी दी और उसकी मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले कर दिया गया। उस टीम के सरबरा डॉक्टर मोरिस काबोय जो मजहबी तौर पर क्रिश्चियन थे, जब माइक्रोस्कोप टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम आजा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि उसकी लाश और उसके जिस्म के अंदर समंदरी जर्रात अभी तक मौजूद हैं, यानी ये कंफर्म है कि इसकी मौत समंदर में डूबने की वजह से ही हुई थी, क्योंकि समंदरी पानी के अंदर ही इस कदर नमकियात पाई जाती हैं। ये नमक उसकी लाश को हनूद करते वक्त खारिज नहीं किया जा सका था। 3000 बरस के दौरान ये रफ्ता रफ्ता उसके जिस्म से खारिज होकर जम गया और जब पट्टियां खोली गई तो नमक इस पर जमा हुआ पाया गया। दोस्तों, मौजूदा जमाने में फिरौन की लाश इबरत के लिए ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने रख दी गई है कि आज इंटरनेट पर अखबारों टीवी चैनल और करोड़ों अरबों इंसानों की आंखों के सामने काबिले तर्स हालत में मौजूद है ताकि लोग जान लें कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाली सिर्फ एक ही जात है जो कि सबका खालिक और मालिक है, सबका राज़िक है। और अगर दुनिया के इंसानों में वाकई खुदा मौजूद है तो अपनी कौम को तबाह होने से पहले खुद को ही अल्लाह के अजाब से बचा कर दिखा दे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हर किस्म के फितने से महफूज बनाकर हसरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम और अहले बैत का मोहब्बत करने वाला बनाए। आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।